हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अशफाक और स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। मैं उर्दू का 20-20 क्वेश्चन सेट लाया हूं और इससे पहले भी बहुत सारा सेट आ चुका है। ओके, तो आप लोग के लिए मैट्रिक जो एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूं चुन करके। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। इससे पहले कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। ओके, देखिए मेरा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, फ़रार किसका अफसाना है। ओके, अफसाना फ़रार जो है वो किसकी लिखी हुई है, इस तरह भी पूछ सकता है। तो ऑप्शन देखें, सुहैल अजीम आबादी, निगार अजीम, कमर जहाँ, सैयद मोहम्मद मोहसिन। तो अगर आपको याद होगा तो आप आंसर टिक आउट कर सकते हैं, इसका आंसर जो होगा सैयद मोहम्मद मोहसिन। ओके, आप आंसर खुद से बनाएं और जितना सही बनता है आपसे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ओके, क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन, तौबतुन्नसु किसका नॉवल है, यानी कि तौबतुन्नसु इसका राइटर का नाम पूछ रहा है, किसका लिखा हुआ है। तौबतुन्नसु किसका लिखा हुआ है, ऑप्शन देखें, डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम सरर, प्रेमचंद, हावी रिसवा। तो इसका सही आंसर आपको पता है कि डिप्टी नज़ीर अहमद होगा। ओके, डिप्टी नज़ीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था। ओके, सुहैल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या था, ऑप्शन देखें, तिनकों का सहारा, डायन, चार चेहरे, दर्पण। ओके, तो इसका करेक्ट आपको जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन सी, चार चेहरे। ओके, ऑप्शन क्वेश्चन फोर देखें, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था। ओके, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम पूछ रहा, मुजीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, कलीमुर रहमान, अजीमुर रहमान। तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको आंसर पता होगा, इसका सही आंसर होगा मुजीबुर रहमान। बहुत कम टाइम में मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो आप इसको कम टाइम में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई, आर्यभट्ट कहाँ पैदा हुए। तो आपको पता होगा आर्यभट्ट जो है बिहार में पैदा हुए हैं, और इसे एक और क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीरो, जीरो का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गालिब के अबाओ इजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे, गालिब के अबाओ इजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। तो ऑप्शन देखें, तवान से, इराक से, ईरान से, बगदाद से। तो इसका सही आंसर होगा ईरान से, यानी कि ऑप्शन जो है सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, यानी कि गालिब के अबाओ इजदाद जो है ईरान से आए थे। और गालिब के बारे में मैं एक और फैक्ट बताने वाला हूँ कि गज़ल, गज़ल, गज़ल का पिता जो है, फादर ऑफ गज़ल जो बोला जाता है गालिब को। ओके, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, खतूत गालिब के मजमू का नाम क्या है, यानी कि खतूत गालिब, जो गालिब ने जो खतूत लिखा उसका मजमू का नाम पूछ रहा है। ऑप्शन देखें, गुब्बारे खातिर, मकातिब सर सैद, उर्दुए मुअल्ला, मुकादिब महदी। ओके, तो इसका सही आपका आंसर जो होने वाला है उर्दुए मुअल्ला, उर्दुए मुअल्ला, उर्दुए मुअल्ला जो है ऑप्शन सी जो है इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें, आठवां क्वेश्चन देखें, मैंने वो अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मेरा मुरासला को मुकामला बना दिया, ये कॉल किसका है। ओके, ये एक लाइनिंग लिखा हुआ है। ओके, ये लाइन लिखा हुआ, ये किसने लिखा। तो ऑप्शन देखें, ज़ौक, गालिब, सर सैद, मौलाना आज़ाद। तो इसका सही आंसर जो आपको होने वाला है मिर्ज़ा गालिब। ओके, मिर्ज़ा गालिब। अच्छा, गालिब से मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम पूछता है, मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या है। तो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। ओके, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर कराई है, ताजमहल की तामीर जो किसने करवाई, हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने। तो आपको तो पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाहजहां ने ताजमहल की तामीर करवाए थे, किस लिए करवाए थे, अपने बेगम मुमताज महल की यादगार में। और आपको ताजमहल के बारे में फिर बताता हूँ कि ताजमहल कहाँ है, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमू का नाम क्या है, निगार अजीम का, शायद, गिरदेरा, गुब्बारे खातिर, गहन। तो इसका 10 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है गहन, गहन जो है निगार अजीम का दूसरे मजमू का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 11वां क्वेश्चन है, जेल में मर्सिया के इज्जाए तरकीबी में से क्या है। ओके, जो यानी कि जो नीचे लिखा हुआ है, इनमें से मर्सिया के इज्जाए तरकीबी में से क्या है, तशीबी, प्लॉट, चेहरा, मतला। ओके, तो 11 का जो करेक्ट आंसर आपको होने वाला है वो है ऑप्शन सी, चेहरा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन तो यूँ ही याद हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, जहर इश्क ये किसका लिखा हुआ है, सॉरी, जहर इश्क ये इनमें से क्या है, अफसाना है या नॉवल है या मसनवी है या ड्रामा है। तो जहर इश्क जो है आपका 12 का जो क्वेश्चन देखें, आंसर देखें, ये मसनवी है। ओके, जहर इश्क मसनवी है। अच्छा, मैं बोल दिया था शुरू में कि जहर इश्क किसका लिखा हुआ, तो आपको अगर पता है जहर इश्क किसका लिखा हुआ तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, और नहीं तो फिर तो मैं बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मर्सिया के सबसे बड़े शायर कौन है, मर्सिया के सबसे बड़े शायर,
आपको पता है मर्सिया किसे कहते हैं? मर्सिया के बारे में डिस्कशन में कभी कभी आ जाता है कि मर्सिया उसे कहते हैं जब कोई किसी जब कोई मर जाता है तो उसके बारे में बड़ाई बयान किया जाता है, ओके, तो उसको बोलते हैं मर्सिया। तो सबसे बड़ा शायर कौन सा रहा है मर्सिया का? तो इसमें देखिए मिर्ज़ा गालिब हो गया, मीर अनीस हो गया, मिर्ज़ा सौदा हो गया, मीर तकी मीर हो गया। तो मिर्ज़ा अनीस जो है सबसे बड़ा गालिब में मर्सिया के शायर रहे हैं, मिर्ज़ा अनीस, ओके। और गालिब ने भी अपना मर्सिया लिखे हैं। और एक को पता है गालिब ने भी मर्सिया लिखा है, किसके नाम से लिखा है? ये लिखा है अपने आरिफ की मौत पे मिर्ज़ा गालिब ने मर्सिया लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गज़ल के सबसे बड़े शायर कौन हैं? तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको गज़ल का सबसे पहला शायर, सबसे बड़े शायर पूछ रहा हूँ, ओके। तो देखिए गज़ल का सबसे बड़े शायर बोल रहा है, तो इसमें सबसे बड़ा शायर बोल रहा है, ऐसे नहीं बोला कि सबसे गज़ल का फादर कौन है। तो गज़ल का फादर अगर बोलेगा तो मिर्ज़ा गालिब होगा, लेकिन सबसे बड़ा शायर आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीर तकी मीर। मीर तकी मीर जो है गज़ल का सबसे बड़ा शायर रहा है, और मिर्ज़ा गालिब जो है गज़ल का फादर, ओके, पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जलवा दाग, जलवा दाग आपको किताब में दिया हुआ है, किस कलाम का, किसके कलाम का मजमू है, यानी कि किसका लिखा हुआ है? गालिब का, मुबारक अजीम आबादी का, शाद अजीम आबादी का, अहमद फराज का। तो 15 का जो सही आंसर होने वाला है वो है मुबारक अजीम आबादी, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, मुबारक अजीम आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि इसको हम VVI के कैटेगरी में इसको रख सकते हैं, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, याद रख रहे हैं, गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, और गज़ल के आखिरी शेर अगर पूछ लिया जाए तो गज़ल का आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, याद रखें दोनों, मतला शेर के पहला और मक्ता शेर के बाद वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परवेज़ शाहिदी का असल नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है। ऑप्शन देखें, सर सैयद इब्रार हसीन हुसैन, सैयद इकराम हुसैन, सैयद परवेज हुसैन, सैयद जुवा जवाद हुसैन। तो 17 का जो सही आंसर होने वाला है सैयद इकराम हुसैन, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखें, नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन देखें, ग्वालियर, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ। तो 18 का जो सही आंसर होने वाला वो है ग्वालियर, ग्वालियर में जो है नदा फाजली की पैदाइश हुई। नेक्स्ट देखें, 19 नंबर, शायर में नसीम किसके साथ शागिर्द थे, यानी कि जो शायर में नसीम जो है वो किसके शागिर्द थे? तो 19वां नंबर क्वेश्चन है वो देखें, ऑप्शन देखें, गालिब, आतिश, जौक, हाली। तो ये जो शागिर्द थे, शागिर्द मिस चेला बोलते हैं, ठीक है, ओके, तो ये थे आतिश का, आतिश के शागिर्द थे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लें, लास्ट क्वेश्चन ये है, मुफ्ती 20वां क्वेश्चन देखें, मुसहफ़ी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखें, गुलाम हमदानी, करामत हुसैन हमदानी, अहमद हुसैन हमदानी, तसद्दुक हुसैन हमदानी। तो 20 का जो सही आंसर होने वाला है वो है गुलाम अहमद हमदानी, गुलाम हमदानी, यानी कि 20 का ए जो है करेक्ट आंसर है। तो ये जो है मैंने आपको 20 जो सेट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आना ही आना है, चूँकि एग्ज़ाम में और क्वेश्चन कहाँ से लाएगा, ओके। तो कोशिश करता हूँ कि आप ये सभी क्वेश्चन को दोबारा से देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, ओके। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप देख लिए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितना सही क्वेश्चन बनाया है, ओके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दैट्स ऑल।